नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कक्षा 6 के लिए वसंत भाग 1 आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 झांसी की रानी। ये जो है एक कविता है और इसकी कवित्री है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी। उन्होंने इस कविता में झांसी की रानी, सबसे पहले तो झांसी की रानी कौन थी, झांसी की रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो सुमद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता में झांसी की रानी के बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक का जितना भी उनका समय था, जो भी उनका व्यक्तित्व था, वो सारी घटनाएं जो हैं इस कविता में उजागर की हैं। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। देखिए, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये कविता जो है इसमें यहाँ शुरुआत की हुई है जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर अधिकार किया हुआ था, तो जितने भी राजा महाराजा थे या छोटे लोग भी जो थे वो सब परेशान हो गए थे। ठीक है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, भ्रिकुटी तानना मतलब क्रोध में आना। तो सब लोग जो है अंग्रेजों के गुलाम, मतलब अंग्रेजों के नीचे वो गुलाम बनकर रह रहे थे, तो वो उनकी गुलामी से सब परेशान हो गए थे, सबको क्रोध आया हुआ था। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, और जो 1857 की क्रांति हुई थी देश की आज़ादी के लिए, उस क्रांति ने तो जैसे बूढ़े भारत में नई जवानी का जोश भर दिया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत, सब लोग अब चाहते थे कि उनका देश आज़ाद हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें ने जो अपनी आज़ादी खो दी थी, जो अपनी स्वतंत्रता उन्होंने खो दी थी, अब उसकी कीमत का सब लोगों को पता चल गया था। दूर फिरंगी को करने सबने मन की में ठानी थी। अब फिरंगी क्या होता है? फिरंगी अंग्रेजों के लिए कहा गया है कि अब सब लोगों ने मन में ये निश्चय कर लिया था कि हम अंग्रेजों को अपने देश से बाहर कर देंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, बुंदेले हर बोलो मतलब बुंदेलखंड के जो लोक गायक थे उन्होंने झांसी की रानी के इस वीरता भरे एहसास को, इस वीरता भरे व्यक्तित्व को जो है हमारे सामने उभारा था। उनके मुंह से हमने ये सारी कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी। झांसी की रानी कैसे लड़ी थी? मर्दों की तरह ही कठोर बनकर एकदम से पूरी वीरता और साहस के साथ वो लड़ी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। कानपुर के जो नाना थे, पेशवा नाना साहब जो थे, वो उनकी मुंह बोली बहन, मतलब वह लक्ष्मीबाई को क्या मानते थे, अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। और बचपन में लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? उनका नाम था मनु या छबीली, लक्ष्मीबाई नाम था उनका। और पिता, अपने पिता की वह अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। मुंह बोली बहन मानते थे नाना साहेब, तो नाना साहेब के साथ ही वह पढ़ती थी, उन्हीं के साथ खेलती थी। और जैसे बचपन में छोटी छोटी लड़कियों को के खेल होते हैं ना, वो गुड़ियों से खेलती हैं या छोटे छोटे कप प्लेट बर्तन इनसे खेलती रहती हैं, लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो किससे खेलती थी, कौन कौन उनकी सहेली होती थी? उनकी सहेली थी युद्ध में चलाने वाले अस्त्र और शस्त्र, जैसे तलवार तीर कमान ये सब। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी। आगे कवित्री क्या कह रही है कि जैसे छोटी छोटी बच्चियों को परियों की कहानी पसंद है, वैसे लक्ष्मीबाई को परियों की कहानी पसंद नहीं थी, उन्हें क्या, उन्हें तो वीरता से भरी कहानियाँ अच्छी लगती थी, और वीर शिवाजी की जो कहानियाँ होती थी वो तो उन्हें मुँह जबानी आती। बुंदेले हर बोलो और बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से जो है हमने उनकी वीरता की जो ये कहानी है वो सुनी थी, क्योंकि वह मर्दों की तरह वीरता से लड़ी थी।
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। ऐसा लगता था जैसे जब रानी लक्ष्मी बाई तलवार चलाती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि लक्ष्मी या दुर्गा का अवतार है बिल्कुल, ठीक है। देख मराठे, मराठा के जो लोग होते थे वो उनको तलवार चलाते देखकर बहुत खुश होते थे, पुलकित खुश होते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना थे ये उनके प्रिय खिलवाड़। उनके खेल क्या होते थे, पहले उनके खेल होते थे नकली युद्ध, मतलब युद्ध की रचना करना, सेना को चारों तरफ से घेरना, ठीक है, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, किलों को तोड़ना, मतलब मिट्टी के जो किले होते थे उनको तोड़ना। तो ये सारे जो खेल हैं वो बचपन में खेलती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। जो महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी लक्ष्मीबाई भी उन्हीं को ही अपने आराध्य देव मानती थी। और बुंदेलखंड के लोकनायकों के मुख से, लोक गायकों के मुख से हमने उनकी ये साहस की कहानी सुनी थी कि कैसे जो है वो मर्दों की तरह बहुत वीरता से लड़ी थी, उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी बाई झांसी में। अब आगे कवित्री क्या कहती है, बचपन तो उनका बीत गया, अब जैसे वो बड़ी हुई तो उनकी शादी रचाई गई। देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, अब उनका विवाह जो है वो किस में क्या हुआ, झांसी, झांसी के राजा गंगाधर राव से जो है रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ। ब्याह हुआ रानी बन, अब ब्याह होने के बाद, शादी होने के बाद वो क्या बन गई, वो अब रानी बन गई झांसी की। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबट बिंदोलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में। राजमहलों में बधाइयां गाने लगे, ढोल बाजे बजने लगे सुबट बुंदेलों, और चारों तरफ जो हैं बुंदेलों मतलब बुंदेलखंड के लोग, उनके विदाई पर उन्होंने क्या, उनके यश गीत गाए कि कैसे उन्होंने जो यश प्राप्त किया है। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। उनके विवाह को, गंगाधर राव से जो उनका विवाह हुआ, लोगों ने उनकी विवाह की तुलना किससे की, जैसे अर्जुन का विवाह चित्रा से हुआ था और शिव का विवाह पार्वती अर्थात भवानी से हुआ था। तो ये जो कहानी है लक्ष्मीबाई के जीवन की, साहस की कहानी, हमने किससे सुनी थी, बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। जैसे ही रानी जो है विवाह करके महल में आई तो चारों तरफ सौभाग्य मतलब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई, लेकिन किंतु काल गति, लेकिन समय को मंजूर नहीं था ये सब, ये खुशियां चुपके चुपके मतलब अचानक से एकदम से जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। कि जिन हाथों में रानी ने चूड़ियां पहनी हुई थी, समय को ये जो मतलब होता है ना कि विधवा हुई विधि, जो हमारी विधि होती है, विधि विधाता जिसने हमारी किस्मत, किस्मत को ये मंजूर ही नहीं था कि कैसे रानी के हाथों में चूड़ियां हैं। क्यों, क्योंकि रानी के हाथों में तो तलवार होनी चाहिए थी। रानी विधवा हो गई, राजा का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, रानी विधवा हो गई, किस्मत को उस पर दया तक नहीं आई। नी संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। राजा जो है निसंतान मरे, निसंतान मतलब जिनकी कोई संतान नहीं, राजा मर गए, कोई संतान नहीं थी। रानी शोक समानी थी, और रानी में चारों ओर मतलब रानी के जीवन में शोक भर गया, दुख भर गया। बुंदे ले यार बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और बुंदेलखंड के लोग गायकों उसके मुख से ही हमने रानी के साहस की कहानी सुनी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। रानी का दीप, झांसी का दीपक बुझ गया, क्यों, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई और कोई वारिस भी नहीं बचाया। तो तब जो है लाल डलहौजी मन को के मन में बहुत खुशी हुई, क्यों, क्योंकि अब उसे मौका मिल गया कि वह झांसी का राज्य हड़प कर ले।
फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावार इसका वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी, उसने तुरंत अपनी सेना को भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि जो झांसी के राजा गंगाधर राव हैं वो निसंतान मरे हैं, उनका कोई वारिस नहीं है, इसलिए वो खुद उनका वारिस बनना चाहता था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी भी। रानी ने जो है अपने आंसुओं को पी कर ये देखा कि चारों ओर जो है झांसी में वीरान हो गया, झांसी मतलब चारों ओर जो है झांसी में लोग दुख से भर गए हैं। बुंदेले और बोलो के मुंह और हमने जो ये लोग गायक जो ये झांसी की साहसी भरी कहानी थी हमने किसके मुंह से सुनी है? बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से सुनी है। अनुने विने नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत है। रानी ने जो है अंग्रेजों के सामने लाल डलहौजी के सामने बहुत विनती की, प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने उसकी कुछ नहीं सुनी। तो आगे इसमें कवित्री बता रही है कि जब ये अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो ये क्या व्यापारी बनकर आए थे और ये हमसे दया चाहते थे कि हम उन पर दया करें, उनको अपने देश में हम व्यापार करने दें। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजा और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जो डलहौजी थे उसने अपने व्यापार को धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि अब उन्होंने पूरे भारत पर अपना राज्य अधिकार कर लिया। अब उनके सामने जितने भी राजा थे नवाब थे किसी की वो नहीं सुनता था, उनको भी उन्होंने अपने पैरों में नीचे गिरा दिया था, अर्थात उनको भी उन्होंने हरा दिया था। रानी दासी बनी बनी है दासी, अब मैं रानी थी। रानी जो रानी हुआ करती थी वो तो अब दासी बन गई अंग्रेजों की, दासी अब महरानी थी। यहाँ पर जो ये दासी शब्द है ये अंग्रेजों के लिए आया है और महरानी मतलब अब अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। और जो ये साहस भरी कहानी है हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बातों, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर काबी का। अंग्रेजों ने हर जगह अपना अधिकार जमा लिया था, जो राजधानी है हमारे देश की दिल्ली उस पर भी अधिकार कर लिया, बातों ही बातों में लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया, पेशवा जो थे पेशवा बिठूर जी थे उनको कैद कर लिया था, और अब नागपुर को प्राप्त करने की भी उनकी चाल थी। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब भ्रम पर अभी हुआ था वज्र। उदयपुर सतारा तंजौर पंजाब मतलब बहुत से इलाके हमारे देश के ऐसे थे जिन पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, और इसी तरह उन्होंने बंगाल और मद्रास को भी अपने अधिकार में ले लिया था। और जो ये सारी हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की जो ये साहस भरी कहानी थी वो बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी कि झांसी जो है कैसे मर्दों की तरह खूब जमकर अंग्रेजों के सामने लड़ी थी। रानी रोई र निवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। रानी रोई र निवासों में, र निवास होते हैं जहाँ रानियाँ रहती हैं, तो रानी जो थी झांसी की रानी वो अपने निवास स्थान में बैठी बैठी रोती रहती थी। बेगम सारी जितनी भी बेगम थी जितनी भी रानियाँ थी वो सब परेशान हो गई थी, दुख में रहती थी। उनके जितने भी गहने कपड़े थे वो कलकत्ते के बाजार में अंग्रेज नीलाम कर रहे थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलखार। अंग्रेजों ने नीलामी के जितने भी की जो नागपुर के जेवर हैं या लखनऊ के नौलखे हार हैं, कीमती कीमती गहने हैं, सभी की नीलामी के अंग्रेजों ने अपने अखबार में पत्र छापने लगे थे। यों पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकनी थी, लोगों को लग रहा था, सभी राजाओं को लग रहा था कि हमारे देश की जो इज्जत है अर्थात
जो रानी के गहने हैं वो इस तरह से बिक रहे हैं, सबको गुस्सा आया हुआ था। और बुंदेलखंड के लोक गायक रानी की इस वीरता भरी कहानी को हमें सुना रहे थे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटियों में थी विषम वेदना, हमारे देश के जितने भी छोटे लोग थे या बड़े राजा महाराजा थे, सब लोग जो है वो इस गुलामी से अब दूर होना चाहते थे। सब जो है अब कोई भी गुलाम नहीं रहना, सिर्फ आज़ादी चाहिए थी। वीर सैनिक जो सैनिक थे उनके मन में अपने राजाओं के प्रति गर्व था, वो भी अंग्रेजों के सामने लड़ना चाहते थे। नाना धुंधुपत पेशवा, जो पेशवा थे धुंधुपत, वो क्या कर रहे थे, वो क्रांति के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। और उनकी जो बहन थी छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी कर दिया, मतलब चारों ओर अपने झांसी के राज्य में और आसपास के राज्यों में क्रांति का आह्वान शुरू कर दिया, मतलब क्रांति का नगाड़ा बजा दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। चारों तरफ यज्ञ शुरू होने लगा, अर्थात युद्ध शुरू होने लगा। उन्होंने चारों ओर जो है लोगों के मन में आजादी की जो झलकती ज्योति थी वो जला दी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। महलों ने दिया, जो क्रांति की जो ये ज्वाला थी, इसमें बड़े राजा महाराजाओं ने और छोटे छोटे लोगों ने, सैनिकों ने, सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्यों? क्योंकि जो स्वतंत्रता की ये चिंगारी थी, उनके मन में जो ये स्वतंत्रता का भाव आया था, ये उनको अपने अंदर से आया था। किसी के कहने से वो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि वो सब अपने अंदर से, अपने मन से चाहते थे कि वो स्वतंत्र हों। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। झांसी में, दिल्ली में, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, हर तरफ, हर एक इलाके में जो है क्रांति जल उठी थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। और इसी तरह से ही जबलपुर, कोल्हापुर, इन क्षेत्रों में भी क्रांति जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी। और बुंदेलखंड के लोग गायक लोगों को झांसी की रानी के बारे में बता रहे थे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो जो ये 1857 की जो क्रांति हुई, इसमें अनेक लोगों ने, अनेक राजा महाराजाओं ने अपने प्राण त्याग दिए इस गुलामी को दूर करने के लिए, ठीक है। जिसमें कुछ नाम प्रमुख हैं, जैसे नाना धुंधुपत, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, कुंवर सिंह, ठीक है। देखिए कुंवर सिंह सैनिक, कईयों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने क्रांति में लड़ते लड़ते अपने प्राणों को त्याग दिया। और इनका जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इनके नाम हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन भले ही आज के नियमों के अनुसार क्रांति करना एक जुर्म हो, लेकिन फिर भी उनके नाम हमेशा अमर रहेंगे हमारे इतिहास में। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बड़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। अब हम इनकी गाथा, मतलब दूसरे राज्यों को छोड़कर अब झांसी की बात आती है, ठीक है, झांसी की बात आती है, जहां खड़ी, जहां लक्ष्मीबाई ने जो है युद्ध में एकदम सबसे आगे खड़ी थी, पुरुष का वेश धारण करके मर्द बनी मैदानों में, पुरुष बनकर वो लोगों का नेतृत्व कर रही थी, अपनी सेना का नेतृत्व करके सबसे आगे खड़ी थी।
लेफ्टिनेंट वाकर जो है वहां आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। लेफ्टिनेंट वाकर सबसे आगे खड़ा था। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। रानी ने भी अपनी तलवार निकाल ली और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, लेकिन रानी ने इतनी साहसपूर्ण तरीके से जो है युद्ध किया कि जख्मी होकर वाकर भी जख्मी हो गया। लेफ्टिनेंट वाकर जो उससे लड़ रहे थे वो जख्मी होकर नीचे गिर गए, और लोगों को हैरानी थी कि रानी लक्ष्मीबाई से वो हार गया। और ये सब वहाँ बुंदेलखंड के जो लोक गायक थे वो रानी की साहस भरी कहानी को हम तक सुना रहे थे कि रानी जो है कैसे मर्दों की तरह वीरतापूर्ण लड़ी। रानी बड़ी कालपी आई, करसो मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधा। रानी बड़ी, लेफ्टिनेंट वाकर को रानी ने हरा दिया, अब रानी और आगे बढ़ी और कई मील दूर चलकर वो आगे जाकर कालपी तक पहुंची। लेकिन उनका जो घोड़ा था वो थक गया था बहुत, और गिरते ही जो वो घोड़ा था वो मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। यमुना के तट पर फिर से अंग्रेजों में और रानी के बीच में युद्ध हुआ, जहां पर भी अंग्रेजों ने हार मिली, मतलब अंग्रेजों को हार मिली रानी के हाथों। और उसके बाद रानी वहां से विजयी होकर कहां चली, फिर आगे वो ग्वालियर की तरफ बढ़ गई। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थे, और अंग्रेजों के मित्र सिंधिया मतलब अंग्रेजों के जो सिंधिया जी थे उन्होंने भी अपनी राजधानी छोड़ दी रानी के डर से, और वो भाग गए। विजय मिला पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब रानी को कई जगह पर तो विजय मिली, ठीक है, लेकिन दोबारा से अंग्रेजी सेना ने रानी को घेर लिया। अब उनके सामने कौन थे, जनरल स्मिथ जो थे वो उनके सामने थे, उन्होंने मुंह की खाई थी, अर्थात वो पहले रानी से हार गए थे। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। और रानी के साथ भी कौन थी, उनकी दो सहेलियां थी काना और मंदरा, जिन्होंने पूरी तरह से रानी का युद्ध में साथ दिया था। ये देखिए, ये झांसी के युद्ध का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है, कैसे जो है चारों तरफ ये अंग्रेजों की सेना है और बीच में रानी कैसे डटकर उनका सामना कर रही है। पर पीछे हु रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। देखिए आगे कौन खड़ा था रानी के, अभी मैंने बताया ना कि उनके सामने जो है लेफ्टिनेंट जो है खड़े थे और पीछे से जो है हीरोज ने उनको घेर लिया। तो अब रानी जो है अंग्रेजी सेना से चारों तरफ से घिर गई थी और बीच में वह अकेली थी, लेकिन फिर भी रानी खूब डटकर लड़ी, उन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। उन सेना को उन्होंने अंग्रेजी सेना के बीच में घिरने के बावजूद भी बड़ी ही वीरता से वो लड़ी और उस सेना को पार करके वो आगे बढ़ गई। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि उनके सामने क्या आ गया, नाला आ गया, ठीक है, बहुत गहरा था वो, यह उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहतरे होने लगे वार पर वार। उनका घोड़ा गिर गया, क्यों, क्योंकि एक तो उनका घोड़ा नया था। देखिए घोड़े जानवर भी जो होते हैं ना, उन्हें भी पता होता है कि उनके ऊपर जो उनका राजा बैठा हुआ है किस तरह से उसको बचाकर आगे ले जाना होता है। लेकिन रानी का घोड़ा जो था वो नया था, ठीक है, तो वो झेल नहीं पाया, और इतने में क्या होता है कि रानी को चारों तरफ से शत्रु घेर लेते हैं और मारकाट, मतलब उन पर वार हमले पर हमले करने लगते हैं। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी।
रानी जो है उनके वार से घायल हो गई और घायल होकर जमीन पर गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई, अर्थात स्वर्ग सिधार गई। तो इस तरह से जो बुंदेलखंड के जो लोक गायक थे उन्होंने ये रानी के मृत्यु से, बचपन से लेकर मृत्यु तक की जो कविता, जो जितना भी उनका व्यक्तित्व था, जो भी उनकी कहानी थी कि कैसे वो अंग्रेजों से लड़ी हैं, वो सारी कहानी जो है बुंदेलखंड के लोक गायकों ने हमें सुनाई थी। सर एक बार करना बंद। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकार थी। रानी गई सिधार, रानी को मृत्यु हो गई थी, रानी वीरगति प्राप्त कर चुकी थी, अब उसकी जो दिव्य सवारी थी वो क्या थी, चिता थी। मिला तेज से तेज, अब रानी का जो तेज था वो अग्नि के तेज में मिल गया था, जिसकी वह सच्ची अधिकारी थी, अर्थात पुरुषों की तरह जो उसने स्वतंत्रता के युद्ध में वीरतापूर्ण लड़ाई की, इसलिए वह इस तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बंद स्वतंत्रता नारी थी। अभी जो रानी की उम्र थी सिर्फ 23 साल की थी, तो वह एक आम नारी नहीं थी, वह एक अवतारी थी, मतलब अवतार थी किसी लक्ष्मी या भवानी का। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, झांसी की रानी सिर्फ हमें स्वतंत्र कराने के लिए इस दुनिया में आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, झांसी की रानी जो है मरती मरती भी हमें वो रास्ता दिखा गई, वो सीख हमें दे गई कि हमें हमेशा अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि गुलामी जो है, गुलामी में कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है। बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हमने ये कहानी सुनी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता ए निवासी। अब कवित्री क्या कह रही है कि हे रानी हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, तुम्हारा जो ये बलिदान है हम इसे भूलेंगे नहीं, तुमने जो हम पर ये उपकार किया हम इसे कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हारा जो ये बलिदान है ये, इससे जो ये स्वतंत्रता पैदा हुई है ये हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों के से चाहे झांसी। चाहे इतिहास में सब कुछ चुप हो जाए, चाहे इतिहास रुक जाए, ठीक है, चाहे लोग सच्चाई को भूल जाएं, लेकिन हम जो है तुम्हारी ये स्वतंत्रता की सीख जो तुमने हमें दी है हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट अमिट निशानी थी, तेरा स्मारक। झांसी की रानी से अब कवित्री क्या कह रही है उनको कि तेरा स्मारक, तुम्हारे लिए चाहे कोई स्मारक होगा या नहीं, स्मारक बनाते हैं ना जब कोई मर जाता है तो उसकी याद में हम उनकी तस्वीर बनाते हैं, तो चाहे तुम्हारी कोई स्मारक होगा, कोई निशानी होगी या नहीं, फिर भी तुम्हारी जो यादें ही हैं वही अपने आप में ही हमारे लिए एक निशानी है। बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हमने तुम्हारी इस वीरता की कहानी को सुना है कि कैसे जो है झांसी की रानी मर्दों की तरह वीरतापूर्वक अंग्रेजों के सामने लड़ी थी। चलिए अब इस कविता के कुछ शब्दार्थ मैं आपको करवा देती हूँ। देखिए, वारिस उत्तराधिकारी, बिरानी वीरान, द्वंद युद्ध, घात छल, बेजार परेशान होना, आवान बुलाना, सरनाम प्रसिद्ध अभिराम सुंदर, रानिवास महल में रानियों के रहने का आवास, स्वर्ग दिखाना मर जाना, सन्मुख सामने भ्रिकुटी तानना क्रोधित होना, मर्दानी मर्दों जैसी, छबीली सुंदर, लक्ष्मीबाई का नाम था ये बचपन में, कटारी छोटी तलवार, पुलकित खुश, व्यू घेरना रचना, सुबट वीर योद्धा, और विरदावली यश के गीत। चलिए अब करवाती हूँ मैं इसके प्रश्न उत्तर।
देखिए पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तो सबसे पहले तो ये पूछा है कि इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। तो इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु, अचानक जो उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके तरफ संकेत है। दूसरा है, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। देखिए, पति गंगाधर राव की मृत्यु से रानी लक्ष्मीबाई ऐसमय विधवा हो गई थी। देखिए, अभी तो उसकी शादी हुई थी, इतनी छोटी उम्र में जो है वो विधवा हो गई थी। दूसरी तरफ राजा जो थे वो निसंतान मर गए थे, कोई उनकी संतान नहीं थी, तो इसलिए अंग्रेजों ने भी झांसी पर कब्जा कर लिया था कि कोई उसका वारिस नहीं है। इसलिए जो है काली घटा गिरने की बात कही गई है, मतलब मुसीबत आने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें क्या बताना चाहती हैं? देखिए, भारत धीरे धीरे अंग्रेजों का गुलाम बनता जा रहा था। भारतीयों में साहस नहीं बचा था कि वह अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सके, इसलिए कवित्री ने भारत को बूढ़ा कहा है। परंतु रानी लक्ष्मीबाई जैसे भारतीयों ने अपने अंदर साहस का संचार किया और क्रांति करके हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, इसीलिए कहा गया है कि बूढ़े भारत में भी नई जवानी आ गई है। अगला प्रश्न है आपका, झांसी की रानी के जीवन की कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, मैंने आपको ये पूरी कविता समझा दी है, इसका अर्थ समझा दिया है, तो आप इस कविता को पढ़कर इसके अर्थ को समझकर आप अपने शब्दों में जो है झांसी की रानी की जीवन, झांसी की रानी अर्थात रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कहानी को अपने आप अपने शब्दों में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं और इतिहास की अन्य स्त्रियां, वीर स्त्रियों के हमें नाम बताने हैं, उनकी कहानियां बतानी है। देखिए, इस कहानी में वीर लोगों के कौन कौन से नाम आए हैं जो वीर थे, वीर शिवाजी, नाना धुंधुपन, तांत्या टोपे, अजी मुल्ला, मौलवी साहब, कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, इन सबके नाम आए हैं। और इसके अलावा जो रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही वीर स्त्रियां थी, उनके नाम थे रानी चेनम्मा, हजरत महल, रानी द्रौपदी बाई आदि। चलिए, अब है इस पाठ का आपका आखिरी प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती थी, यह आपका एक अन्य प्रश्न है। देखिए, युद्ध जैसे कार्य मर्दों के लिए माने जाते हैं, ये तो आप सबको भी पता है कि जो युद्ध के लड़ाई के काम होते हैं ना, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि मर्दों के होते हैं, परंतु लक्ष्मीबाई ने इसे गलत साबित करते हुए युद्ध भूमि में स्वयं शस्त्र उठाकर अंग्रेजों के सामने लोहा लिया, उनसे डटकर मुकाबला किया, वीरतापूर्वक उनके साथ लड़ी। तो इसलिए जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लक्ष्मीबाई को इस पाठ में मर्दानी कहकर पुकारा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के साथ आपके इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी पूरे होते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको इस कविता का पूरा भावार्थ जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। धन्यवाद।